इस कार्यक्रम के पुण्य अर्चक हैं श्रीमती विमला देवी बिलाला परिवार, अनूप नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश, शांति मेडिकल्स, MMF इंफोटेक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, श्रीमती विमला देवी, मुकेश चंदनवाला, विजय ममता, संजय ज्योति, हितेश, रितिका, प्रियांश, कामनी, लवीना, प्रांजल, दीपिका, अभी, प्रणय, दीपांशु, घृति पाटोदी, श्री हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर, नागपुर, श्री राजकुमार, श्रीमती सुधा जैन, श्री विनोद, श्रीमती संजना जैन, श्री दिलीप, श्रीमती सीमा जैन, रासू, शीतल, राहुल, अदिति, रचित, मौलिक, जिनांश, वंशिका, धैर्य, वंदित जैन, पुष्पा, विमल पांड्या, इंदौर, स्नेहलता, विकास काला, जयपुर, ममता, सुरेश सेठी, कोलकाता, सानू, अमित जैन, सूरत, पूर्वा, हर्ष पाटनी एवं हितांश, कोलकाता, सलोनी, हर्षवर्धन जैन, आगरा, वेदिका, यश पाटनी, नागपुर, माता श्री सुशीला बाई जैन, ललितपुर वाले, श्रीमती मीना, अनिल कुमार जैन, VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन, सिंगापुर, श्रीमती स्वाति, पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार, नागपुर, सौभाग्यवती किरण, कमल कुमार जैन, दिल्ली, सौभाग्यवती शिमला, राजेंद्र कुमार जी, घनसौर, सौभाग्यवती मुक्ता, अजय जैन, ड्रीम सोपी, VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ॐ नमः सिद्धेभ्यः वंदन हम करते मंगल में वर्धमान स्वामी को संघ शिरोमणि शासन नायक महावीर स्वामी को वंदन हम करते मंगलमय वर्धमान स्वामी को संघ शिरोमणि शासन नायक महावीर स्वामी को जिन चरणों में गौतम आदि ने सारा मत विसराया जिन चरणों में गौतम आदि ने सारा मत विसराया जिन चरणों में शतीन्द्रों ने झुक झुक शीश नवाया उन चरणों में बलि बलि जाऊं उन चरणों में बलि बलि जाऊं धन्य मोक्ष वासी को मंग वंदन हम करते मंगलमय विद्या सिंधु ज्ञानी को संत शिरोमणि मुनिगण नायक संत शिरोमणि मुनिगण नायक धन्य ज्ञान सिंधु को वंदन हम करते मंगलमय आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की चैतन्य चमत्कारी श्री पार्श्वनाथ भगवान की वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की संत शिरोमणि अध्यात्म योगी सिरपुर में साक्षात विराजमान आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की पर्वराज पर्युषण महामहोत्सव की उत्तम माधव धर्म की अहिंसामय विश्व धर्म की आरिकरत्न पूर्णमती माताजी की वंदनीय आरिका संघ की।
जब अनित्य भावना को पढ़ते हैं तो हमारी रोम रोम में विनश्वरता का भान हो जाता है। अहो चेतन, जो वस्तुएं नाशवान है उसका घमंड करके तूने मान के वशीभूत हो अपने भगवान को नहीं जाना। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सायरा, कहाँ गए वह राम लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मणि सत्यभामा अरु संबति सगरी, कहाँ गए वह रंग महल अरु सुवर्ण की नगरी, नहीं रहे वह लोभी कौरव जूझ मरे रण में, गए राज तज पांडव वन को अग्नि लगी तन में, मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को, हो दयाल उपदेश करे गुरु मारे। कहाँ गए वो कहाँ गए, वो कहाँ गए, कहाँ चले गए, सब चले गए, कोई न बचा। जब बड़े बड़े एक से एक आला आला महापुरुष नहीं बचे तो तू कहाँ बचेगा, कहाँ बचेगा। जो बचने वाला है उसको तो जानता नहीं है, और जो बचता नहीं है उसको पकड़ पकड़ करके बचाना चाहता है। यहाँ तक कि शव हो गया है, शिव आत्मा निकल गई है, जीव आत्मा निकल गई है, उसको बांध करके ले जा रहे हैं और उसको पकड़ने के लिए दौड़ती है, मत ले जाओ मत ले जाओ। अरे वो तो चला गया, तुम जैसे पकड़ रही हो वो तो चला गया है, इसको पकड़ के क्या करोगे, नहीं जा सकते तुम, आगे भी नहीं जा सकते। कमला चलत न जाए पेंड तक मरघट तक परिवारा, क्या संसार की नग्न वास्तविक दशा है, समझो चेतन समझो। फिर भी विनाशिक वस्तुओं का, पर पर्यायों का, पर पदार्थों का अपने साथ में जोड़ बना करके मान करके उन संयोगों को अपना मानता है, जबकि तेरे आत्म स्वभाव में संयोग का नामो निशान है ही नहीं। आज तक अनादि काल से मुझ आत्मा के असंख्य प्रदेशों में एक भी परमाणु का मिलन नहीं हुआ कि एक परमाणु आत्म प्रदेश रूप हो गया हो, आज तक नहीं हुआ। इस उदाहरण को समझ चेतन समझ, चाहे सोने में कितनी ही चांदी मिला दो, पर मिला दो लगता है, पर चांदी तो चांदी है और सोना तो सोना है, वो एक मेक नहीं हो सकता। उसी प्रकार से तुझे लगता है कि ये संयोग है, ये वस्तुएं मेरी है, भाई जब स्वभाव में संयोग ही नहीं तो संयोग के विभाव वियोग का दुख कैसा, यही तो अज्ञानता है। और इसी अज्ञानता के वश होकर के, मानी होकर के, अभिमानी होकर के अपने चैतन्य प्रभु आत्मा के स्वरूप का विस्मरण कर देता है, विस्मृत कर देता है। और इसी विस्मृति के कारण से अनंत काल से संसार के नाना दुखों की चपेट में आ रहा है। नीचे उतर इस विकार से, विकार के गिरी पर चढ़ा बैठा है, जानता है ना नदी बहती है, सागर तक मिलती है, तो पहले वह पर्वत से नीचे उतरती है। अगर वह ना उतरे तो क्या हो, यदि ना उतरे नीचे तो ऊपर ही कुंड बन जाए, और नीचे बह करके अगर आगे ना बहे तो डबरा बन जाए। इसलिए ध्यान रख, अहम विनाश का कारण है सघनता। जैसे क्रोध करने से किडनी खराब होती है, बीपी हाई होती है, अल्सर होता है,
आदि आदि अनेक प्रकार की ऐसी सघन बीमारियों का शिकार हो जाता है, तो जितना मानी होगा उतने शरीर में गांठें होंगी, ग्रंथियां बनेगी, मान की वशीभूत होकर के सघनता आएगी, ब्लड भी तुम्हारा गाढ़ा हो जाएगा, खून गाढ़ा हो जाएगा। अब पतला करने करने की दवाइयां खाओ। मान कषाय के वशीभूत हुए व्यक्ति को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, जितना मानी होगा उतना ही हृदय की परेशानियां होगी। अवरोध पैदा करता है, जैसे मान भगवान से मिलने नहीं देता, ऐसे शरीर में भी खून का बहाव होने नहीं देता। ये प्रभाव पड़ता है इसका, किसका मान करते हो? अहंकार क्या आ रहा है कि मैं कुछ करने वाला हूं? और सूत्र है प्रकृति का, गुरुत्वात् अधःपतनम्। जितना गुरुत्व होगा उतना अधःपतन होगा, और जितनी जितनी लघुता होगी उतनी उतनी प्रभुता प्रकट होती चली जाएगी। कभी सोचा आपने अहंकार के वशीभूत होकर के मैंने कितने अपराध किए हैं? ये चार ही तो अनर्थ चतुष्टय हैं, अनंत चतुष्टय नहीं, हमारे अनंत चतुष्टय का घात करने वाले चार अनर्थ चतुष्टय हैं। अहंकार, ममकार, मैं इसका करता हूं, मैंने किया है, ये सब कुछ मैंने किया है। अगर मैं नहीं होता ना तो कुछ नहीं होता। जैसे कि छिपकली विचार करती है कि सारी छत मेरे माथे के बल से टिकी हुई है, वरना कब से नीचे गिर जाती। क्योंकि हुआ भी एक बार ऐसे ही संयोग से, वह जिस छत पर थी और जैसे उसने छत से उस तरफ पार किया दूसरी छत पर गई, वो छत नीचे गिर गई। अब तो पक्का हो गया, देखा मेरी वजह से सारी छत टिकी हुई थी। ये अहंकार, ये मान भाव आ गया। एक श्वान रथ के नीचे पहुंच गया, अब उसको भी एक भ्रम हो गया कि मैं चलता हूं तो रथ चलता है, मैं रुक जाऊं ना तो रथ भी रुक जाता है। और हो भी गया संयोग वशात एक बार ऐसा ही, वह रुका तो रथ भी रुक गया। अब तो पक्का हो गया कि देखो मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। वो बुढ़िया को भ्रम हो गया कि मेरी मुर्गे के बाग देने से सारे लोग जागते हैं, मैं ही नहीं रहूंगी ना, मुर्गा लेकर के चली जाऊंगी दूसरे गांव में तो पता चलेगा लोगों को, जागेंगे ही नहीं, सोते पड़े रहेंगे। क्या भ्रम है। और ध्यान रखिएगा, जब तक भ्रम जाल है, जब तक भ्रम पलता रहेगा, तब तक निज ब्रह्म का दर्शन होने वाला नहीं है। ये कर्तृत्व भाव की जब तक जड़ें फैलती रहेंगी, उससे हमारे जीवन में मृदुता की रोशनी, मृदुता की जो कोमलता है, वह हमारे जीवन में उतरने वाली नहीं है। इसीलिए अहम शब्द बहुत खतरनाक है, अरहम को उत्पन्न नहीं होने देता। मैं हर वाक्य की शुरुआत में से, पर मैं है क्या जानते हो? नहीं, फलाना चंद हूं मैं, इस पर्याय के जोड़ से अपने आप को मैं मानता है, यही तो सबसे बड़ी गलती है भाई। शरीर भी सच है और आत्मा भी सच है, दोनों सच है, शरीर झूठा नहीं है, शरीर भी सच है और आत्मा भी सच है। लेकिन इन दोनों के संयोग से जो अहंकार की निर्मिति होती है वह विचार झूठ है। इन दोनों के संयोग से जो अहंकार का निर्माण हो रहा है, जैसे आप भी सच हैं और दर्पण में देख रहे वो दर्पण भी सच है, आप भी सच हैं और दर्पण भी सच है, लेकिन दर्पण में जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है वह सच नहीं है। यह संयोग खतरनाक है। अपने कृत्य का प्रमाण पत्र पाना चाहते हैं, प्रशस्ति पाना चाहते हैं, फल की चाहत है, ऐसा ही एक अपने अहंकार का पोषण करने के लिए कि मैं ये करने वाला हूं, मैं वो करने वाला हूं, और पहुंच गया जल के सेनापति के पास में, जल सेना के पास में पहुंच गया, सेनापति के पास पहुंचा और उसने कहा कि साहब मैं वो जल में वो बनाते हैं ना उगल गुगल, वो मैं जानता हूं, आप तो जानते ही होंगे। क्या बोला? आप तो जानते ही होंगे कि जल के सेना के लिए जो उगल गुगल चाहिए वो मैं बनाना जानता हूं, बहुत सुंदर बनाता हूं।
अब सेनापति कहे कि उगल गुगल है क्या बला, तो वो कहेगा कि तुम जल के सेनापति होकर के, जल सेना के सेनापति होकर के भी इतना नहीं जानते कि उगल गुगल क्या होता है। और बड़े अच्छे अंदाज में कह रहा है, चेहरे पर पूरी सत्यता का भाव लेकर के वह बोल रहा है। शब्दों में भले ही वह जोर दे रहा हो पर मन तो उसका गवाही दे रहा है, बेटा बहुत झूठ बोल रहे हो, अच्छा नहीं कर रहे हो। मन टोकता है। आप जब ग्राहकों के लिए कहते हैं कि भाई हमारे घर में 1000 में पड़ा है, तुम 800 में हम कैसे दे दें, तब तुम्हारा मन भीतर से कचोटता है, कहता है सेठ जी झूठ मत बोलो। मन तो कहता है लेकिन बोलते चले जाते हैं, मान के वशीभूत होकर के, अहंकार के वशीभूत होकर के, क्योंकि अभी तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त करना है, धन प्राप्त करना, और धन से तुम्हारे अहंकार का पोषण होने वाला है, इसलिए बोलते चले जाते हैं, बोलते चले जाते हैं। उसने भी यही कहा तो सेनापति ने कहा अच्छा अच्छा ठीक है, वो उगल गुगल बनाना जानते हो? मैं बनाना जानता हूँ। तो ठीक है, तुम इंजीनियर के पास चले जाओ, वो आपको बता देंगे क्या करना है आगे के लिए। अब इंजीनियर के पास में पहुंच गया तो उसको भी यही कहा कि साहब मुझे सेनापति जी ने आपके पास में भेजा है, और वो जल सेना के लिए बहुत आवश्यकता पड़ती है उगल गुगल की, तो वो मैं बनाना जानता हूँ। सेनापति जी ने आपके पास भी भेज दिया, उन्होंने यस कह दिया है और रखने का भी बोल दिया है, अब आप जैसा भी मुझे उचित निर्देशन देंगे वैसा। तो अब इंजीनियर सोचने लगा कि अगर मैं कहूं कि उगल गुगल है क्या बला, तो सेनापति तो समझ गया है, और मैं कहूंगा तो मैं मूर्ख ठहरूंगा, इसीलिए उसने भी उसी अंदाज में अच्छा वो हाँ ठीक है। जैसे कई बार प्रवचन करने वाला प्रवचन करता है, आपको वो बात समझ में भी नहीं आती है, लेकिन आजू बाजू के लोग हंसते हैं तो आप लोग भी क्या है ये मान है। कुछ लोग ताली बजा रहे, आपको कुछ बात समझ में नहीं आई, सो रहे थे, लेकिन जैसे ही तालियों की गड़गड़ाहट हुई आपने भी ताली बजा दी। क्यों? क्योंकि बजाना जरूरी है, नहीं तो लोग कहेंगे कि देखो तुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या, इतनी अच्छी बात की तुझे समझ में नहीं आई। ये तालियां तुम्हारी बता देती है कि हमें भी बात समझ में आ गई है। मतलब मान ही कहता है हम किसी से, ये बात हम किसी से कम नहीं है। अगर तुम्हें सब कुछ समझ में आता है तो हमें भी सब कुछ समझ में आता है। मैं हूं ना, मैंने किया, मैं जानता हूं, मैं सब कुछ समझता हूं। कई बार अहंकार से भर करके कहता है अरे मैं सब पता है, मुझे सब पता है, ये वाक्य किसका हो सकता है? सर्वज्ञ का। मैं सब जानता हूं ऐसा कौन कह सकता है? सर्वज्ञ ही कह सकता है। सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ, जो सबको जानता है वो सर्वज्ञ है। क्या आप सब जानते हो? लोक अलोक चराचर सब कुछ जानते हो? कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसे ही ढींग हाँकते रहते हैं और अपने अहंकार का पोषण करते चले जाते हैं। जैसे कि एक कुशल अभिनेता, श्रेष्ठ कवि भी था और नाटककार भी था, उसकी अचानक मृत्यु हो गई, तो जो फिल्म कंपनी का मालिक था वो भी उसकी विदाई में वहां पर आया। संवेदना प्रकट करते हुए उसने कहा, शव पड़ा हुआ है, कि इसे अभिनेता बनाने वाला मैं ही हूं। अंत में वो श्रद्धांजलि में बोलते हैं ना कुछ लोग, हाँ, तो वह जो फिल्म कंपनी का मालिक था वो खड़ा होकर के कहता है कि इसको अभिनेता बनाने वाला मैं ही हूं, और गली कूचों से उठा करके राजपथ पर पहुंचाने वाला भी मैं ही हूं, और वो भी मैं ही हूं जिसने सबसे पहले इसे नाटक में, नाटक कंपनी में जगह दी थी, वह भी मैं ही हूं जिसकी पहली पुस्तक प्रकाशित मैंने ही कराई थी, अरे वो भी मैं ही हूं कि इसकी पहली फिल्म मैंने ही बनाई है, जिसके कारण धरती पर इसका इतना यश फैला है, इतना फेमस हुआ है। मालिक इतना ही कह पाया था कि कहती है ये कहानी कि वह मुर्दा अर्थी से उठ बैठा और वह बोला कि इस धरती में किसको गाड़ना, मुझे गाड़ना है कि आपको बताओ पहले, अब बर्दाश्त नहीं होता, मेरी प्रशंसा करो, अपनी अपनी प्रशंसा, मैं किए जा रहे हो, तुम्हारा ये मैं का शोर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ये मुर्दे की आवाज थी।
मैं के स्वर में मृदुता का स्वर खो जाता है, मृदुता खो जाती है। आज जितनी भी लड़ाई है आपस की, अपने भीतर में भी जो लड़ाई चल रही है वो मैं की लड़ाई है, परिवार में भाई भाई की लड़ाई चल रही है, किसकी है? अरे बाप बेटे की लड़ाई चल रही है मैं के कारण, रिश्तेदारों में लड़ाइयां चल रही हैं मैं के कारण, समाज समाज में लड़ाई चल रही है मैं के कारण, पूरे विश्व स्तरीय दंगे हो रहे हैं मैं के कारण। अपनी योग्यता को तो देखता नहीं है, और मुझे उस जैसा होना है। अगर मान लो दूसरे का हो रहा है सम्मान, तो उसे लगता है कि मेरे जैसा हो रहा है अपमान, मेरा अपमान हो रहा है, उसका सम्मान क्यों हो रहा है? अगर स्वयं गुणवान बन जाओगे तो सम्मान मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सम्मान देने के लिए लोग आतुर रहेंगे। आचार्य भगवान गुरुवर्ष विद्यासागर जी महाराज के पास में लोग, बड़े बड़े लोग कहां कहां से उनके चरणों में दौड़ते हैं, क्योंकि उनकी जीवन की चर्या ही ऐसी है। जिसका जीवन गुणों से परिपूर्ण है उसको सम्मान पाने की जरूरत नहीं रहती, सम्मान खुद ब खुद दौड़ता रहता है। तो ये निश्चित बात है कि जब जब भी अभिमान किया है तो अभिमान की ताकत महान को भी पलट करके रख देती है और उसको बिल्कुल निम्न स्तरीय बना देती है। किस्मत भाग्य ये सब व्यक्ति के पुरुषार्थ पर अधीन होते हैं, और पुरुषार्थ का मतलब है सहज सरल भाव से वो पुरुषार्थ करे। जितना जितना मान होता है वह विशेष बनना चाहता है, सामान्य नहीं बन पाता, और व्यक्ति अगर सामान्य बना रहता है तो अपने आप ही विशेष हो जाता है। विशेष बनने की इच्छा में नहीं रहा सामान्य प्रभु, हे प्रभु क्या कहूं मैं अपने भीतर की पीड़ा, विशेष बनने की तमन्ना में मैं सामान्य भी न रह पाया। और आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, अगर विशेष बनने के ख्वाब है तुम्हारे तो ध्यान रखो तुम सामान्य भी नहीं रह पाओगे, साधारण बन जाओगे। साधारण का मतलब ये है कि एक केंद्रीय में चले जाओगे, वो निगोदवासी हो जाओगे। जरूर है। और कहते हैं कि किस्मत जब पलटती है ना तो सब कुछ पलट करके रख देती है। अच्छे दिनों में, इसीलिए आचार्य देव कहते हैं कि जब अच्छे दिन हो तो अहं मत करो, और जब बुरे दिन आ जाए तो सब्र करो। दोनों बातें, अच्छे दिन हो तो अहं मत करो, और बुरे दिन आए तो थोड़ा सब्र करो। जब दौलत आती है तो यहाँ गर्दन पीछे की ओर चली जाती है, पेट आगे निकल आता है, तोंद निकल जाती है, और जब दौलत निकल जाती है तो वह उसका सिर आगे आ जाता है, झुक जाता है, बेचारे की कुवड़ निकल जाती है। दोनों में वह सहज नहीं है, एक में मानी है तो दूसरी अवस्था में दीनहीन बना घुमा फिरता रहता है, सोचता है अब मेरे पास में कुछ भी नहीं है। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि पर द्रव्य के संयोग से अगर तुमने उसे माना है कि ये मेरा है, वो छूटेगा तो तुम वियोग से दुखी हो जाओगे। इसीलिए अहम छोड़ो और अरहम से अपना नाता जोड़ो, अरहम पद को पाओ। जब तक अहम नहीं छोड़ोगे अरहम दशा प्राप्त होने वाली नहीं है, क्योंकि पद और कद को अहंकार हमेशा खा जाता है, पद और कद दोनों को अहंकार खा जाता है। इसीलिए भावना करो प्रभु, कहीं से भी मान का मेरे भीतर में भाव आता हो तो तत्काल निकल जाए, क्योंकि चार गतियों में चार कषायों की मुख्यता आचार्य भगवंतों ने कही है और हम देख भी रहे हैं। नरक में क्रोध कषाय की मुख्यता रहती है, तो मनुष्य गति में मान कषाय की, तिरियंचों में मायाचार्य की, और देवगति में लोभ कषाय की मुख्यता रहती है। अहंकार में सोचता है कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूं, और गुरुत्वात् अधःपतनम्, उसका अधःपतन होता है। अरे भाई बेटे ने अपने कर्म से तेरे घर में जन्म लिया है, और जैसे ही बेटा हुआ चाल बदल गई, क्या बात है, क्या तूने उसको जन्म दिया है? हाँ अगर तू जन्म दे सकता तो तीन बेटियां क्यों जन्मी हैं? बताओ ना,
तू जन्म नहीं दे सकता, मैंने बड़ा किया है, तू बड़ा कर सकता है क्या? खींच खींच कर तूने बड़ा किया है। अगर उसका वामन संस्थान है तो चाहे कितने ही औषधि पिला लो वो लंबा होने वाला नहीं है, वरना औषधियां पिला पिला करके कोई बोना रहता ही नहीं, जोकर वगैरह होते ही नहीं ऐसे। लेकिन ये अपना अपना कर्म का उदय, सबको तू अपना पालनहारा मानता है, तू किसी का पालनहारा नहीं है, इसीलिए तू जाननहारा बन, सिर्फ जाननहारा बन। एक कर्म का संयोग प्रत्येक जीवों का अपना अपना है। और मजे की बात देखो, क्या वजनदार बात कही कुंद कुंद स्वामी ने कि कर्म तुझ में रहकर के भी तुझसे बिल्कुल भिन्न है, कर्म का स्वरूप भिन्न है। क्या बात कही है, तो भले मान ले इसे अपना। पर पदार्थों को तुम अपना कहते रहे, पर कभी ये तुम्हारे हुए ही नहीं, पर कभी ये तुम्हारे हुए ही नहीं। तू अनादि से कर्मों के संग रहा, पर कभी ये तुझे तो छुए ही नहीं, पर कभी ये तुझे तो छुए ही नहीं। क्या सत्य का दर्शन कराते हैं, जब कर्म तुझे नहीं छू रहे हैं तो कर्म जिन वस्तुओं को दे रहे हैं, ये शरीर धन दौलत मकान परिवार ये सब कुछ दिलाने वाला तो कर्म है। जब कर्म तेरा नहीं, जब कर्म से तेरा संयोग नहीं, कर्म जब तुझसे छूते नहीं, तो ये वस्तुएं तेरी कैसे हो सकती हैं? बता चेतन, तय कर आज इसको। लेकिन फिर भी इंसान मान की वजह से हर किसी को नजरों में गिराना चाहता है। तुम चाहे कितने भी कोशिश करो, अगर उसका पुण्य प्रबल है तो कोई गिरा नहीं सकता, ये निश्चित बात है। ना किसी के कदमों में, ना ही किसी की नजरों में। जैसे राजा चेतक की पुत्री चेलना, और इधर से है राजा श्रेणिक, मैं राजा हूं, मैं राजकुमार हूं, तो मेरी रानी भी राजकुमारी होना चाहिए। बस इस अहंकार के वशीभूत होकर के राजा चेतक की पुत्री चेलना के साथ में विवाह कर दिया। मौन के वशीभूत होकर के मायाचारी आ गई और उन्होंने मैं जैन धर्म को मानता हूं ये कह करके विवाह करवा लिया। अब विवाह तो कर लिया, विवाह करके ले आए, लेकिन जैसे ही रानी चेलना राजगृही में आती है और वहां का नजारा देखती है तो सोचती है, ऐसी विधर्मी पति के साथ में विवाह करने से तो अच्छा था कि मेरी मृत्यु ही हो जाती, हे भगवान ये दिन क्यों देखना पड़ रहा है। लेकिन वह अपने पुरुषार्थ पर विश्वास रखने वाली चेलना सोचती है, एक न एक दिन मैं इन्हें सच्चा जिन धर्मी बना के रहूंगी, सच्चा सत्य का धर्मी बना करके रहूंगी। और वह निरंतर भगवान के प्रति और गाढ़ और सघनता से भक्ति करती चली जाती है। एक दिन उसे पता चला कि दिगंबर जैन निर्दोष साधु के ऊपर उसने घोर उपसर्ग किया है और 500 शिकारी कुत्तों को उनके ऊपर छोड़ दिया है। वह भगवान की भक्ति में लीन थी। जब उसे बाद में पता चला कि महाराज के ऊपर जब कुत्ते छोड़ दिए गए और मुनिराज ध्यानस्थ थे, उनकी मृदुता का ऐसा अभाव मंडल था कि वह भयंकर शिकारी कुत्ते भी उनके आभा मंडल में प्रवेश नहीं कर पाए और वहीं पर शीश झुका करके बैठ गए। जैसे आचार्य भगवान के श्री चरणों में नैनागिरि में भयंकर डाकू, नामी डाकू, दिन दहाड़े व्यक्तियों का जीवन खत्म करने वाला, लूटने वाला, वो भयंकर मूरत सिंह जैसा डाकू भी एक मूरत जैसा हो करके गुरुदेव के श्री चरणों में आकर के झुक गया, कर दिया आत्मसमर्पण। हे मार्दव मूर्ति गुरुदेव, आपके श्री चरणों में हमारा अनंत प्रणाम हो। इसमें भी उसका जी नहीं भरा। अब इसके बाद में तरकश से तीर निकाला और मुनिराज के ऊपर फेंक दिया, तीर चला दिया।
क्या हुआ? मुनिराज की दिव्य तपश्चर्या से वह तीर परिक्रमा लगा करके वहीं पर खड़ा हो गया। मुनिराज के शरीर को वेध नहीं पाया, उनके वैराग्य का, उनकी समता का कवच था, वही ढाल थी, कोई ऊपर से ढाल नहीं ओढ़ी थी, शरीर के ऊपर एक तिलतुष मात्र भी परिग्रह नहीं था। वह अब आश्चर्य में पड़ गया। तीसरी बार उसने मुनिराज के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। चींटियों को तो ज्ञान नहीं है ना, ये वह तो लगेंगी और निश्चित अब उनके ऊपर ऐसा उपसर्ग करेगी कि वह अब जीवित नहीं बचेंगे। मरा हुआ सर्प डाल दिया। आ करके रानी से कहा, देख तेरे गुरु महाराज के ऊपर सर्प डाल करके आया हूं मरा हुआ, अब कैसे बचेंगे? बड़ी गुण गाती थी ना, देख लेना अब जा करके। तब रानी चेलना को बड़ी पीड़ा होती है और वह कहती है कि स्वामी आपने बहुत अनर्थ किया है, घोर उपसर्ग करके अपनी आत्मा के ऊपर उपसर्ग किया है और इससे तुम्हें भव भव तक दुख भोगना पड़ेगा, भव भव तक तुम्हें नरकों जैसी वेदना भोगनी पड़ेगी, बच नहीं पाओगे, पश्चाताप करो स्वामी, क्योंकि वो मेरे सच्चे गुरु हैं, मेरे दिगंबर गुरु हैं, मेरे वैरागी वीतरागी गुरु हैं, वो कभी भी टस से मस नहीं हो सकते, प्राणांत तो हो जाएगा लेकिन वो कभी भी धर्म को छोड़ने वाले नहीं है, वो अपना ध्यान का आसन नहीं छोड़ेंगे। अरे उनके भक्त ही अकलंक निकलंक जैसों ने अपने प्राण तज दिए लेकिन जिन धर्म को नहीं छोड़ा। यह तन जाए तो जाए, मेरा जैन धर्म ना जाए। बालिकाओं सुनो, चाहे तन जाए तो जाए लेकिन हमारा जैन धर्म छोड़ करके हम कहीं नहीं भागेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए गुरुदेव के चरणों में चले जाएंगे लेकिन जैन धर्म को छोड़ करके ये असली सत्य धर्म जो हमें अनंत भवों के पुरुषार्थ से मिला है उसे छोड़ करके हम जाने वाले नहीं है। धन ये निश्चित बात है, कर्म उन्हें जवाब देंगे, हम क्यों दें? हम कर्म का कार्य क्यों करें? जो कार्य कर्म अचेतन कर सकता है तो चेतन होकर के ये कर्म क्यों कर रहा है, क्यों अपनी शक्ति का बिगाड़ कर रहा है? इसलिए तू मत कर, कर्म स्वयं उसे अगर बुरा किया है तो कर्म उसे जरूर जवाब देगा। इसलिए छोटे से छोटे पाप को करने में भी सोचना, विचार करना कि ये पाप किया है, यही छोटा सा पाप बहुत बड़ा रूप धारण कर सकता है, क्योंकि कषायों की तीव्रता है। आठ आठ प्रकार के मत बताए हैं रत्न करण श्रावकाचार्य भी, ज्ञानम पूजा कुलम जाति बलम वृद्धि तपो वपुह अष्टावाशित्व मानित्व स्वयं माहुर कतस्मयाः। जो इन आठ मतों से रहित तो हो जाता है वही सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। सम्यक दर्शन का उजाला तभी हो सकता है जब वह भीतर में इस मान और मत को छोड़ दे। कैसे छोड़े? छोड़ा नहीं जाता, क्योंकि मैं करता हूं, मैंने ये किया, ये भाव तो आता ही है, कहां से आता है? आप सोचते हैं तभी तो आता है ना, जो सोच है उसके ऊपर हावी कर दो, तत्व ज्ञान को, वेद ज्ञान को रख दो उसके ऊपर, क्या मजाल की ये भाव आ जाए। आसमान को छूना चाहते हो तो मान के बलबूते पर छू ना पाओगे, ध्यान रखना। सिर्फ आसमान को छू लेना ही कामयाबी नहीं है, वो कामयाबी नहीं है। असली कामयाबी तो तब मानी जाती है कि इधर आसमान भी छू लो और पांव भी तुम्हारे जमीन पर रहे, तो समझ लेना कि तुमने कामयाबी हासिल कर ली है। अकेले आसमान में उड़ोगे तिनके की भांति तो एक दिन कीचड़ के गर्त में गिर करके लथपथ हो जाओगे। इसलिए अकेले आसमान में मत उड़ो, अपनी जमीन को, अपने पैरों को जमीन पर रहने दो, नहीं तो फुटबॉल जैसी स्थिति हो जाएगी। फुटबॉल के अंदर हवा भरी जाती है और लोग सारे उसको लात मारते रहते हैं, बस ऐसी ही दशा है। यह जीव जब अपने भीतर में अहंकार की हवा भर देता है और फूला फूला नहीं समाता है तो कर्म उसको लात मारते हैं, लात मारते रहते हैं, कभी इस योनि से उस योनि में, उस योनि से उस योनि में, इस तरह से वह भटकता रहता है। ध्यान रखें, हमने आज तक पर द्रव्य का कुछ नहीं किया, ये महत्वपूर्ण सूत्र हमें ध्यान रखना है। और कुंद कुंद महाराज इसी बात को स्पष्ट रूप से कहते हैं कि तूने आज तक किसी भी पर पदार्थ
पदार्थ का रंच मात्र भी कुछ नहीं किया। एक गाथा में उन्होंने लिखा है, परम अपाणम कुवम अपाणम पिय परम अकुवंतु सोनानमो जीवो कमाणम अगारगो होती। जो ज्ञानी जीव है वह हमेशा यही विचार करता है, मैं पर का करता नहीं और पर मेरा भी करता नहीं। ऐसे ज्ञानी प्रणाम हो जिनके भीतर में बात जच गई है, जिनके भीतर में बात बिल्कुल स्थिर हो चुकी है, और जो स्थिर कर देता है वही विनयमान होता है, वही नम्र होता है। क्योंकि जब मैं कुछ कर ही नहीं सकता, आपने ये किया वो किया, आपने बहुत अच्छा किया, भैया हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता किसी के लिए, आप सब आते हैं तो अपने अपने पुण्य भाव से आते हैं। बोलो सच बात है कि नहीं? अगर कोई एक बुला सकता तो सारे ही पूरे नगर को बुला लेता, क्यों नहीं बुला पाया? क्योंकि उन जीवों का पुण्य ही नहीं है, वो नहीं आ पाए। आपने अपने पुण्य भाव को जोर दिया, उद्घाटित किया, अपना पुरुषार्थ किया तो आज यहां तक आ गए। फिर आगे कहते जदि सो प्रथम वाणी करी चनी मीण तम मोहज। क्या बात कहते, अगर तूने मकान बनाया है, अगर तूने रोटी बनाई है, ये बनाया मैंने वो बनाया, अगर ये सोच रहा है तो फिर तू उसमें तन्मय हो जाना चाहिए, उस रूप हो जाना चाहिए। जैसे कि माटी ने घड़ा बनाया तो माटी घट रूप हो गई ना, वैसे तू भी उस रूप हो जाना चाहिए, मकान रूप हो जाना चाहिए, तम मोहज उस रूप हो जाना चाहिए। इससे स्पष्ट है। आगे जाकर के कहते हैं कुंद कुंद महाराज, जीवो न करे दी घड़म ने पड़म ने वसे सके दबे। जीव ना घट बनाता है ना पट बनाता है, कुछ नहीं करता, कर भी नहीं सकता, वो तो मात्र भाव का करता है। क्या करते हो तुम? भाव। तुम सिर्फ भाव करते हो, चलो दलाल बाग जाना है, भाव किए। और भाव करते ही शरीर ने भी तुम्हारे साथ में, क्योंकि शरीर एक क्षेत्रावगाही है आत्मा से, तो आत्मा ने भाव किए कि चलना है, चलने के भाव किए तो शरीर चल दिया। कब तक चलेगा शरीर? जब तक आत्म राम बैठा है। आत्म राम निकल गया तो फिर शरीर चलने वाला, सारी महिमा किसकी? भाव करने वाले की महिमा है। हे प्रभु, इसीलिए जीव संसार में भटकता रहा, लेकिन अब हमें यहाँ मार्दव धर्म प्राप्त हुआ है, मृदोह भाव मार्दव, जो कि मन की कर्कशता को, क्रूरता को, सारी कठोरता के कचरे को बुहार करके अलग कर देता है। तो ये इस सारे दुर्गुणों को बुहारने वाली बुहारी का नाम है मार्दव धर्म। माताजी जानते तो हम सब कुछ है, लेकिन क्या करें, सबके सामने सासू माँ डांटती है, चिल्लाती है, सहन नहीं होता। यही तो अभिमान है, यही तो मान है। सबके सामने तो न डांटे, सबके सामने डांटा, हमें सबके सामने डांटा, ये जा करके 25 बहुओं से जा करके मंदिर में बता दिया। सच बताओ, सच के सामने, सबके सामने तुमने कहा था? इतना तो सासू माँ ने कहा ही नहीं था, उसने तो 4 के ही सामने कहा था और तुमने 25 के सामने कह दिया। आचार्य भगवान कहते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट दो। अगर तुम स्वयं अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं देते हो, सेल्फ इमेज को नहीं पहचानते हो, तो और कौन पहचानेगा? स्वयं तो पहचानो। उसने तो एक ही बार कहा और तुमने 20 बार कह दिया। उन्होंने मुझे ऐसी गाली दी थी, देखेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। अरे जैन धर्मियों, आज से अपने साधर्म के प्रति कभी भी विवाद का भाव मत रखना, नहीं तो तुम्हारा 10 धर्म मनाना व्यर्थ हो जाएगा। चाहे कितने ही तिलक लगा लो, घंटियां बजा लो, पूजन पाठ कर लो, चाहे कितना दान कर लो, लेकिन दान के साथ में अगर मान है तो तुम्हारे जीवन में निष्फलता ही हाथ लगेगी, माइनस मार्किंग और हो जाएगी। इसीलिए बनिए के बेटे हो, घाटे का सौदा मत करो, जिसमें लाभ है वो ही कार्य करो। इतना तो आप लोग जानते ही है ना कि अपन घाटे का सौदा कभी नहीं करते। अपने दिमाग को खाली रखो मान से, क्यों बार बार याद कर रहे हो? खाली रखने का अभ्यास ही वास्तव में मृदुता की ओर ले जाता है।
और जब खाली रखोगे दिमाग को तो अपने मन के भीतर में क्या चल रहा है उसे चेक भी कर पाओगे। जैसे सीनियर होता है ना तो वह राउंड करके चेक कर लेता है, उसी प्रकार से हमें मन को चेक करना है। आप सबके मन से बात कर सकते हैं, ऐसा कहते हैं ना, हमसे बिल्कुल मन से बात करते हैं, तो अपने मन से बात क्यों नहीं कर सकते। थोड़े शांत हो जाओ, ये सारी बातों को हटा दो अपने दिमाग से। ठीक है अभी भूल जाते हैं, धर्म सभा में बैठे हैं लेकिन बाहर जाएंगे फिर बताएंगे, बात तो वही है ना। इकट्ठा करके बारूद रख रहे हो तो यह जरूर किसी ने किसी के ऊपर निकलेगा, बारूद फूटेगा, और जब फूटेगा तो जिसके हाथ में वो तो पहले ही जलेगा। इसलिए सावधान हो जाओ। आज तो यह मान एक ऐसी खतरनाक चीज हो गई है कि एक व्यक्ति ने कहा माता जी और सब चलेगा कोई बात नहीं, लेकिन नाम हमारा कम से कम 3 बार तो आना ही चाहिए, 3 बार तो कम से कम हमारा नाम बुलवाना ही चाहिए, 3 दिन का प्रोग्राम है तो 3 दिन तो नाम आना ही चाहिए हमारा। मैं सोचती रही कि वास्तव में अगर मनुष्य को 10 दिन भोजन न मिले तो तरोताजा रहता है, बशर्ते है कि मान सम्मान मिलता रहे। आज मानव की डाइट बन गई है, मान सम्मान प्राप्त करना एक उसकी डाइट बन गई है। क्या खतरनाक स्थितियों में जीता है भाई। जब आप शीश झुकाओगे ईश के चरणों में तो आशीष मिलेगा। शीश तो झुकाना नहीं, अकड़ करके खड़े रहना, और चाहते हो कि हमें भी ऐसा ही आशीष मिले। कैसे मिलेगा? अंदर से अकड़ को छोड़ दो, क्योंकि अकड़ खास मुर्दे की पहचान है, झुकता वही जिसमें कुछ जान है। आचार्य भगवान कहते हैं झुकना सीखो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ चाहते हो तो। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। दाना खाक में जब मिल जाता है तभी तो वह गुलजार होता है। तो एक बार तो ये तय करना होगा कि मुझे अब अ से ह तक की सारी वर्णमाला पढ़ ली, इसमें सब कुछ आ जाता, अ ह अ हम अ से लगा करके ह तक सारी वर्णमाला इसमें आ जाती है। और जो अहम है वह अ यानी आत्मा का, हन यानी हंता होता है, मिटाने वाला होता है, विनाश की ओर ले जाने वाला होता है। आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, लेकिन उसको विनाश की ओर ले जाने वाला होता है। इसीलिए ध्यान रखें, मान का ज्ञान तो हो लेकिन ज्ञान का मान ना हो, और जितने भी भौतिक संयोग है उससे हमारा मन कभी प्रभावित नहीं हो, क्योंकि सारे संयोग क्षण भंगुर हैं। आज दर्शन तो कम हो रहा है, प्रदर्शन ज्यादा हो रहा है, सिर्फ मान कषाय के वशीभूत होकर के। इसीलिए दर्पण की भांति रहो, पाए तो प्रसन्न नहीं और खोए तो कभी खिन्न नहीं होता। इस तरह से आधा घंटा तो सजाते हैं शरीर को और 2 मिनट के लिए दर्शन करते हैं भगवान के, वो भी ये देखते हैं कि कोई देख रहा है कि नहीं, मुझे देख रहा है कि नहीं। इस तरह से अपने अभिमान को रूप मत का पोषण करते करते अनंत काल बीत गया। स्टेटस का एक सिंबल बना करके कि मेरा स्टेटस अच्छा रहे, अरे भाई अपने ओहदे की क्या चिंता करता है, अपने परिणाम अच्छा रख तो 3 लोग का नाथ बन जाएगा। क्या कहें तुझे, सब भावों के ऊपर डिपेंड करता है। आज से सोच ले कि मुझे किसी क्षण भंगुर वस्तुओं का मान करना ही नहीं है। तो आप लोग भूल तो नहीं गए ना वो उगल गुगल वाली कथा को? हाँ, वो पूरी कर देना चाहती हूँ। हुआ ये कि वह पहले पहुंच गया था सेनापति के पास, उसने कहा कि तुम जाओ इंजीनियर के पास में। अब वहां पर पहुंच गया, वहां पहुंच गया तो इंजीनियर ने भी कहा अच्छा ठीक है, उगल गुगल बनाना जानती हो तुम, जबकि जानता कुछ नहीं था वो खुद भी। कहता ठीक है कप्तान के पास में चले जाओ, कैप्टन तुम्हें बता देगा कि आगे क्या करना है। उसने भी सरका दिया आगे। अब वह जाकर के वहां पर भी यही कहता है कि देखो मैं वहां से आया हूँ, फिर वहां गया, उन्होंने कहा कि वो सब बता देंगे, वो सब कुछ जानते हैं उगल गुगल के बारे में, ऐसा आपके लिए कहा है। अच्छा ऐसा कहा है कि मैं सब कुछ जानता हूँ? अब कैप्टन सोचने लगा कि अगर मैंने कह दिया कि मैं नहीं जानता हूँ तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, अब क्या करूं।
ठीक है, अच्छा अच्छा उगल गुगल बनाना जानते हो तुम, ठीक बात है। कितने दिन में बना लोगे? सब वही 3 महीने करीब लगेंगे और बना दूंगा मैं, तैयार कर दूंगा। और वो दिमाग से सोचता है, पता नहीं एक जोड़ क्या है, कितनी जोड़ बनाएगा, कैसी जोड़ी होती है, वो जानता करता हूँ नहीं मैं, फिर भी चलो ठीक है, क्या क्या सामान चाहिए उसको दे दिया और 3 महीने के लिए समय दे दिया, मोहलत दे दी। आसपास में चारों तरफ खबरें पहुंच गई कि उगल गुगल बनाने वाला आया है, पर है क्या उगल गुगल कुछ पता नहीं है। 3 महीने हो गए और आज इसका प्रदर्शन होने वाला था और सारे इंदौरवासी भी वहां पर बैठे हुए थे, दरबार के अंदर, सभा के अंदर बैठे हुए थे, राजसभा में उसका प्रदर्शन होने वाला था। सब लोगों से कहा आज उगल गुगल का प्रदर्शन होने वाला है, सुन रहे हो आप लोग? पर किसी बंदे ने आकर के ये नहीं कहा कि उगल गुगल है क्या भला, क्योंकि पहले ही उन्होंने कह दिया था कि आप सब जानते हैं कि उगल गुगल जो जल सेना के लिए आवश्यक होता है वो यहां बनाया जा रहा है। अब कौन कहेगी हम नहीं जानते, जो कहेगा वो मूर्ख माना जाएगा। आज इंसान अपना मान का कवच एक चेहरे पर बना करके रखता है, अगर कोई पूछता है तो ऐसा चेहरा बनाता जैसे उसे तो सब कुछ आता हो। अरे भाई नहीं आता है तो कह दो ना कि मुझे नहीं आता, हम बाद में आपको पढ़ करके बता देंगे। लेकिन अहंकार बोना नहीं होने देता, ये तो स्वीकारता ही नहीं है, इसीलिए तो उसका पतन होता है। देखो ना वो रावण को, लंका, रावण की लंका अहम के कारण से ही तो जल गई, ईंट से ईंट बज गई। कहते हैं रावण का मौसेरा भाई था, पद्म पुराण में वर्णन आता है इसका, और उसका भाई था इंद्र, नाम रखा था उसने इंद्र, काफी अहम था उसे, रानी का नाम भी उसने शशि रख दिया, लेकिन रावण का मौसेरा भाई, लेकिन जब उसको जीत लिया रावण ने तो उसको झाड़ू लगाने के लिए मजबूर कर दिया। रावण का अहंकार अलग था, रावण ने अहंकार तोड़ा इंद्र का, और रावण का अहंकार टूटा किसने? रामचंद्र जी, इधर से लक्ष्मण जी भी थे। और अहंकार क्या था कि मैं सीता को नहीं लौटा सकता, बात सवाल सीता का नहीं था, सवाल तो मान का था, मैं ऐसे ही नहीं लौटाऊंगा, और आखिर वह हार गया। कितने उदाहरण हैं ऐसे, अभी आपने राजा क्षणिक का सुना, पवनंजय का, मान कषाय के वशीभूत होकर के, ओहो ब्याह करके तो ले आया, लेकिन 22 वर्ष तक इतनी इतनी यातनाएं दी कि उसको कभी भी अपने पास फटकने नहीं दिया। 22 वर्ष तक विवाहित होते हुए भी कुमारी जैसी वह रही अंजना, तभी तो लोगों को लिखना पड़ा, तकदीर से लड़ाई इंसान की, ये कहानी है जी सतियों के शान की, 22 वर्षों के बाद आई अंजना की याद, युद्ध छोड़ के पवन मिलने आ गए, एक दिन का वो मिलाप बन गया था अभिशाप, घड़ी आई अंजना के इम्तिहान की, ये कहानी है जी पद्म पुराण की, तकदीर से। लेकिन अंजना कितनी मृदु स्वभावी थी, उसने अपनी मृदुता को नहीं खोया, निरंतर भगवान का दर्शन पूजन भक्ति करती रही और अपने कर्मों का क्षय करती रही, धन्य है वह। अब आप लोगों को भी उगल गुगल की बात पूरी कर दूं, मैं सोच रही थी इतने बीच में कि कोई तो बोल दे कि माता जी आखिर ये उगल गुगल है क्या, लेकिन आप लोग भी चुप बैठे रहे जैसे कि सेनापति इंजीनियर कैप्टन चुप बैठा था। कौन बोले? जो बोलेगा वही मूर्ख समझा जाएगा। कौन बोले? क्या आप सब लोगों को पता है उगल गुगल क्या होता है? नहीं पता, देखो सब लोग गर्दन हिला रहे हैं, लेकिन कौन बोले? सच्ची बात ऐसी है, जब उगल गुगल बाहर आया तो सब लोगों ने देखा, क्या देखा? 2 टीन के डब्बे थे और उसने उनको बताया, देखा देखो ये उगल गुगल कितना अच्छा बना है। अब बेचारे क्या बोलते, क्या बोले? पानी में डाला उगल, पानी निकाला गुगल, पानी डालो तो ऐसी आवाज नहीं आती है,
खाली टीन के डिब्बे में उगल गूगल उगल गूगल। हे भगवान, माथा पकड़ लिया। अच्छे अच्छे बुद्धिमान भी मान के वशीभूत होकर के ऐसी दुर्दशा को प्राप्त हो जाते हैं, लुटा देते हैं अपना जीवन, धन लुटा देते हैं। इसलिए सावधान हो जाओ। आचार्य भगवान कहते हैं कि यह मान कषाय से जीव आज तक सुखी नहीं रहा, तो हमें मान कषाय को मिटाना है। आज से बहुत सफल प्रयास करेंगे, कम से कम साधर्मी के साथ में कोई भी ऐसा मान कषाय के वशीभूत होकर के ऐसा अहंकार नहीं करेंगे, अथवा उसको नीचे गिराने की कोशिश नहीं करेंगे, ऐसे वाक्य नहीं बोलेंगे। इसके लिए कुछ सूत्र देना चाहती हूँ। अपने से बड़ों के प्रति सम्मान रखेंगे, एक सूत्र। दूसरे के गुणों को ग्रहण करेंगे, ये नहीं कह रहे इसमें कुछ नहीं है। अगर अपना हो तो उसकी गलती भी माफ करके, जरा सा भी गुण हो तो बड़ा चढ़ा करके कहते हैं, तो कभी ये नहीं कहेंगे कि इसके अंदर गुण नहीं है, यानी कि थोड़ा सा भी गुण है तो उसे हम ग्रहण करेंगे। तीसरी बात, जो जगत के संयोग है उसको हम नश्वर मान करके ही रहेंगे, ये सारे संयोग नश्वर है। जो पर वस्तुएं हैं उनको पर मानेंगे। और अंतिम सूत्र है विनम्रता, मात्र विनम्रता वह हमारे जीवन का आदर्श रहेगी। आज से अभी से बस हमारे जीवन में उत्तम मृदुता का भाव जरूर आएगा। इसीलिए अंत में यही कहती हूँ, नमोकार मंत्र आप लोग पढ़ते हैं, पांच बार नमो 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 करते हैं, पांच बार करते हैं ना। पहली बार जब नमो बोलते हैं तो आप परिणामों से निर्मल हो जाते हैं, दूसरी बार नमो पढ़ते हैं नमन करते हैं अहंकार का वमन होने लगता है, तीसरी बार नमो बोलते हैं झुक करके बैठने को तैयार हो जाते हैं, चौथी बार नमो बोलते हैं हाथ जोड़ करके झुकने को तैयार हो जाते हैं, और पांचवी बार नमो में पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं। इसलिए गुजारिश है आप सभी से, अहंकार की कार में बैठने से प्रभु के द्वार पर कभी नहीं पहुंच पाओगे। इसीलिए फसल उगाओ मन के खेत में महामंत्र के नाम की, अपनी सीट सुरक्षित कर लो सीधे शिवपुर धाम की। अपने मन के खेत में नमोकार की, बस उसी के नाम की आपको फसल उगाना है, न कि मान की। मान को काटना है। आज तक जो फसलें आई वो हमारे जीवन को तहस नहस करने वाली, उसको हम खत्म करेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्थक थे श्रीमती विमला देवी बिलाला परिवार, अनूप नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश, शांति मेडिकल्स, MMF इंफोटेक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, श्रीमती विमला देवी, मुकेश चंदनवाला, विजय ममता, संजय ज्योति, हितेश, रितिका, प्रियांश, कामनी, लवीना, प्रांजल, दीपिका, अभी, प्रणय, दीपांशु, घृति पाटोदी, श्री हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर, नागपुर, श्री राजकुमार, श्रीमती सुधा जैन, श्री विनोद, श्रीमती संजना जैन, श्री दिलीप, श्रीमती सीमा जैन, रासू, शीतल, राहुल, अदिति, रचित, मौलिक, जिनांश, वंशिका, धैर्य, वंदित जैन, पुष्पा, विमल पांड्या, इंदौर, स्नेहलता, विकास काला, जयपुर, ममता, सुरेश सेठी, कोलकाता, सानू, अमित जैन, सूरत, पूर्वा, हर्ष पाटनी एवं हितांश, कोलकाता, सलोनी, हर्षवर्धन जैन, आगरा, वेदिका, यश पाटनी, नागपुर, माता श्री सुशीला बाई जैन, ललितपुर वाले, श्रीमती मीना, अनिल कुमार जैन, VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन, सिंगापुर, श्रीमती स्वाति, पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार, नागपुर, सौभाग्यवती किरण, कमल कुमार जैन, दिल्ली, सौभाग्यवती शिमला, राजेंद्र कुमार जी, घनसौर, सौभाग्यवती मुक्ता, अजय जैन, ड्रीम सोपी, VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर।